what I say, ki our donors have always given us something and something whenever we need. So it is of their luck and their gift. And you have also come, so it is our good wishes. इसी तरह जब हम अद्वैत पढ़ते हैं तो पूरा जगत, पूरी सृष्टि हमारा ही स्वरूप है। तो जहाँ कोई कोई पीड़ा होती है, कुछ कष्ट होता है, उस सर्वात्म भाव से अगर हम सेवा का प्रयास करें तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, हमारे अहंकार की भी निवृत्ति होती है। और इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर हैं, लोक कल्याण के लिए और अपने चित्त शुद्धि के लिए। और ये जो हम कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा कि दान जो है वो कैसे किया जाना चाहिए। पांच चीज़ें दान के बारे में कही गई है। दातव्यमिति यद दानम, जो भी हम दान कर रहे हैं वो एक कर्तव्य भाव से कर रहे हैं कि ये हमारा कर्तव्य है। जो भगवान ने हमको अनुग्रह करके धन संपत्ति ज्ञान वैभव जो कुछ भी दिया है उसे हम दूसरों के साथ बांटें अपने कर्तव्य के रूप में। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे, किस भाव से दान देना चाहिए। हम किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी सेवा कर रहे हैं, अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, इस भाव से जब दान दिया जाता है। देशे काले च पात्रे च, एक सही जगह पर। तो यहाँ पर हम स्त्री मंडल में हैं, इतना सुंदर निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, तो जगह सही है। काल सही, काल पर भी दान देना चाहिए। जब हम अभी भी कोविड की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो कोविड का कालखंड अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो लोगों को ज़रूरतें हैं। तो देशे काले च पात्रे च, जिसको दान दिया जाता है क्या वो सही पात्र है। ये पांच चीज़ों का जब हम दान का ध्यान रखते हैं, तद दानम सात्विकम स्मृतम, उस दान को सात्विक दान कहते हैं। और यहाँ पर आज हमें ये सात्विक दान का बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं अंजनी बेन का, स्त्री मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये शुभ अवसर प्राप्त किया है यहाँ पर। और आप सबका भी धन्यवाद हो, और आप सबके सुख कल्याण शांति और आनंद के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भगवान हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा सुख शांति और आनंद प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्ते। हाल ही में मैं सबसे पहले स्त्री मंडल और चिन्मय मिशन का मेरी बेटी और मेरे तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हम लोगों को इस डोनेशन ड्राइव में शामिल होने का मौका मिला। हम लोग सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं विद कोविड-19। सबके बहुत अलग अलग मुश्किलें हुई हैं, बट आई मस्ट से कि एवरीबडी हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आप लोग सबका धीरज और हिम्मत देख के हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। वॉट इज़ नाइस इज़ कि हम सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, हेल्प करते रहें, और वैसे ही धीरे धीरे करते करते ये समय निकल जाएगा। थोड़े दिन पहले ही मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो हमें लगा कि ये नया साल उसके लिए एक छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ शुरू करें। तो सबके शुभकामनाएँ के साथ एंड विद वेल गुड विशेज वी वॉन्टेड टू स्टार्ट हर ईयर। So we thought we wanted to participate in this donation drive. So thank you so much for giving us this opportunity, and aap log sabka bhi bahut bahut dhanyawad. Thank you. કરતી હતી, હવે પગના હિસાબે હું કામ નથી કરતી, એટલે ઘરે હું એકલી જ છું ઘરમાં. મરી ગયા ને મારા હસબન્ડ મરી ગયા ને આજે 40 વર્ષ થઈ ગયા. આખો મહિનો ચાલે છે છાયાબેન. આ હમણાં લોકડાઉનમાં બી અમને ઘરે ઘર સુધી અમને આપતા હતા અનાજ. આખો મહિનો એ અનાજ આપે ને તો અમે રાહત મળે, અમને ચાલે છે. હસબન્ડને છોડી દીધું છે, થોડો મેન્ટલી હેન્ડીકેપ છે ને એના કારણે, એટલે હું જ્યાં જાઉં ત્યાં સાથે રાખું છું ને. તો લોકો એમ કહે છે કે બાબો ન જોઈએ,
તેના કારણે મને કાંઈ કામ નથી મળતું, તો અહીંયાથી ઘણી સહાય મળે છે મને, તો આ મદદથી મને ઘણો ફાયદો થાય છે, ખૂબ જ થાય છે એકચ્યુઅલી. વધારે હું તો રોજ રાતે સુતી વખતે આશીર્વાદ આપું છું કે સારું થશે ટ્રસ્ટીઓનું, તો મને મદદ કરે છે, એટલે તો શું થાત મારું. બરાબર.